मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अपना पदभार संभालने सचिवालय पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का संविधान दिया गया। इसके बाद सीएम ने लगातार दूसरी बार अपना पदभार संभालते हुए जनता का आभार प्रकट किया। विपक्ष ने किसानों और युवाओं को भ्रमित किया, लेकिन जनता ने कमल का बटन दबाया। सरकार खुशहाली के रंग भरेगी और विकसित भारत की यात्रा में अपना अहम योगदान देगी। सब वर्गों का हित सुरक्षित रखने वाली नीतियां और कार्यक्रम मुझे विरासत में मिले हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज, राव नरबीर सिंह, श्रुति चौधरी, डॉक्टर अरविंद शर्मा, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल और रणबीर गंगवा सहित सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पदभार ग्रहण करवाया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर आज जो खुशी मिल रही है वो पहले कभी नहीं देखी गई। डीएपी की चर्चा की गई है कि लोगों को सबको मिले आवश्यकता के अनुसार, कि हरियाणा की जनता को, आम जनता को सरकार की सुविधाएं उसके द्वार तक पहुंचे। सीएम साहब ने तो मुझे आशीर्वाद दिया, अपना हाथ मेरे सर पे रखे, क्योंकि मैं उनकी छोटी बहन की तरह हूं और उनके साथ, उनके नेतृत्व में हम काम करेंगे और हरियाणा के लिए खूब अच्छी तरह से ईमानदारी के साथ काम करें। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि भाजपा की जीत का मूल मंत्र जन कल्याण और अंत्योदय की भावना है। बार बार धन्यवाद करते हैं। वो जो जिम्मेवारी उन विधायक बना दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, नड्डा साहब, अमित शाह जी, उन्होंने जो जिम्मेवारी दी उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश की जनता से जो वायदे किए हैं उस पे माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में कार्य करना शुरू किया है। एक सामाजिक न्याय से कार्य शुरू किया है। जो डीएससी का जो मामला था वो उस पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया था उसपे मोहर लगाने का काम कैबिनेट ने भी किया है। फसलों का एमएसपी पे खरीदने की बात ही नहीं कहना, उसको खरीद के दे लेना, ये हमारी बीजेपी की सरकार ने किया। और हमने तो भी किसान के हक में हमने उसके खाते में पैसे डालने का प्रावधान किया।